फतवों की नगरी दारुल उलूम देवबंद ने अपने मदरसे के छात्रों को हिदायत दी है कि वे 26 जनवरी को ट्रेन में सफ़र करने से बचें। वहीं इस बात का लखनऊ के उलमा ने भी समर्थन किया है। लखनऊ के बड़े मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती अब्दुल इरफान निया फिरंगी महल ने देवबंद की हिदायत का समर्थन करते हुए कहा है कि मुल्क के मौजूदा हालात कुछ बेहतर नहीं कहे जा सकते, जिसके मद्देनज़र देवबंद ने अपने छात्रों को सुरक्षा के लिहाज से यह हिदायत जारी की है। वो अपने बच्चों की तलबा की हिदायत जारी करके उनको ऐसे मौके से हिफाजत का सामान मुहैया करने की बात करें तो उन्होंने अच्छा तरीका अख्तियार किया है। बहुत से बच्चे हैं वो सफ़र करते हैं, ख़ासतौर से दिल्ली भी लोग जाएंगे कि वहाँ को परेड में देखना है, ये देखना है, वो देखना है, तो लड़कों को एहतियात करना चाहिए कि वो कोशिश इसी बात की करें कि उस दिन सफ़र ना करें। ऐसे वैसे कि किसी वक्त भी कोई शोशा खड़ा करके वो मुसलमान बच्चों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो काबिल एतराज़ हो या जिसमें कोई शरीयत का मसला हो कि उन्होंने शरीयत का हो सही दिया है या गलत दिया है। ये एक एहतियाती तदबीर है और 26 जनवरी में चूँकि हाई अलर्ट भी होता है और वैसे भी अंदेशा रहता है कि कोई शरपसंद आदमी जो है वो कोई ऐसी हरकत कर बैठे और उसमें मुसलमानों को फंसा दे, तो एहतियात करना ज़रूरी है। सभी को एहतियात करना चाहिए कि ऐसे मौके पर सफ़र न करें। तो साफ तौर पे लखनऊ के भी उलमा इकराम ने जो दारुल उलूम देवबंद से हिदायतनामा जारी हुआ है उसका समर्थन किया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से दारुल उलूम देवबंद ने अपने छात्रों को देखते हुए आज हिदायत जारी की है वो बेहतर है। लखनऊ से ईटीवी भारत के लिए अरसलान समदी।